So hello guys, welcome to my channel Let's Sing Another Way, and in today's video I'll tell you about should you choose Hindi as an additional subject or not, and I will also tell you choose computer science or physical education based on your interest. So guys, if you are still confused about choosing physical or computer in 9th standard, so this video is for you. So watch till the end to get your answer that you should choose it or not. So guys, first advantage of taking physical in 9th and 10th standard is कि अगर आपको किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, मीन्स लाइक आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, फुटबॉल में इंटरेस्ट है, तो आपको उसके रूल्स, आपको उसकी फिटनेस टिप्स, आपको उसके बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. लाइक अगर आप क्रिकेट लेते हो तो आपको उसके पूरे रूल्स पता चलते हैं, आपको पता लगता है स्टंप, विकेट वगैरह, कितना वेट होता है उनका, और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं स्पोर्ट्स में. आपको पूरा फिजिकली ग्राउंड का पता लगता है कि पिच कैसी हुआ. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर अपनी आपने सोचा है कि मैंने अपनी कंट्री को या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, अगर आप भी कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट खेलना चाहते हो या स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो आप ले सकते हो. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फिजिकल लेगा वो बैडमिंटन में, किसी भी स्पोर्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज़ नॉट नेसेसरी. अगर आपको पसंद है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मीन्स कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स होनी चाहिए, ये नहीं कि आपको बस घर से बाहर रहना, पढ़ाई छोड़ कर कुछ खेलना पसंद है. कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसको आप और अच्छे से एडवांस करना चाहते हो अपनी स्किल्स को, वो आपको फिजिकल लेनी चाहिए, नहीं तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी. तो दूसरा एडवांटेज क्या है फिजिकल एजुकेशन लेने का, कि आप जैसे लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ क्रिकेट की, तो क्रिकेट की आपकी जो स्किल्स हैं ना वो भी डेवलप होती रहेंगी साथ साथ में, और साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस करने का उतना ही टाइम मिलेगा. लेकिन अगर आप कंप्यूटर ले लोगे और साथ में क्रिकेट फॉलो करना चाहोगे तो आपको कंप्यूटर को भी टाइम देना पड़ेगा और क्रिकेट को भी, वो थोड़ा यू नो डिफ़िकल्ट हो जाएगा. लेकिन अगर आप लोगे ही फिजिकल, कि आप स्कूल में भी क्रिकेट की प्रैक्टिस ही कर रहे हो और इससे आपका पैशन फॉलो हो रहा है, और घर पर आके आप बाकी सब्जेक्ट्स कर सकते हो, सो इससे आपका ना तो आपका पैशन पीछे रहेगा ना ही स्टडीज़. सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग कंप्यूटर सब्जेक्ट इन 9th स्टैंडर्ड. सो गाइस, जब आप कंप्यूटर लेते हो ना 9th में, तो ये सोच के लो कि आपको 10th के बाद किस फील्ड में जाना है. अगर आप 9th 10th में कंप्यूटर ले लो और बाद में आप MBBS करने चले जाओ, मेडिकल में चले जाओ या फिर कॉमर्स में चले जाओ, तो उस कंप्यूटर का इतना तब नहीं रहेगी ना उसमें. सो आपको कंप्यूटर उस तभी लेनी है अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियरिंग स्किल में जाना चाहते हो. सेकेंड एडवांटेज ऑफ टेकिंग कंप्यूटर इज़ कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ओवरऑल लेटेस्ट टेक्निक्स पता चलती है, टिप्स पता चलती हैं. लाइक क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, कंप्यूटर का यूज़ हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह होता है. सो कंप्यूटर लेने का आपको ये भी एडवांटेज है कि आप कहीं भी जाओगे तो आप नर्वस नहीं होगे. जैसे लाइक अगर आप जॉब इंटरव्यू में भी गए हो तो आप, अगर उन्होंने आपको कहा कि कंप्यूटर पे इंटरव्यू, मतलब अगर प्रैक्टिकली कुछ लिखने को कहा है तो आप वो कर पाओगे, आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होगी ना. सो इसलिए ये भी एक एडवांटेज है कंप्यूटर लेने का 9th and 10th. सो गाइस, इफ़ यू आर श्योर दैट यू हैव टू टेक इंजीनियरिंग आफ्टर 10th, देन यू शुड टेक कंप्यूटर इन 9th and 10th standard. एंड इफ़ यू आर श्योर दैट यू वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन स्पोर्ट्स, इन रनिंग, इन एनी अदर स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड ऑल, देन यू शुड गो फॉर फिजिकल एजुकेशन. एंड वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट कि अगर आप सिर्फ अपने स्किल्स को एडवांस करने के लिए कंप्यूटर करना चाहते हो, मतलब आपने आगे जाके अपना बिजनेस ही करना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है, कंप्यूटर सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए सीखना है, तो आपको 9th and 10th standard में कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद 10th standard के बाद या +2 के बाद आप कोई क्रैश कोर्स कर सकते हो. बहुत कोर्सेज होते हैं अब उसमें, 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, आप अपनी कंप्यूटर के स्किल्स को और एडवांस कर सकते हो. सो गाइज, अगर आपका स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और साथ में आपके पेरेंट्स की लाइक कोई बिजनेस भी नहीं है, आपने जॉब ही करनी है, सो आपको 9th and 10th standard में कंप्यूटर लेनी चाहिए. क्योंकि उसके बाद कंप्यूटर, अगर आपने 9th and 10th standard में कंप्यूटर सीख ली, बेसिक सीख लिए, तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे आफ्टर +2 और आफ्टर ग्रेजुएशन. आप ज़्यादा फील्ड्स में चूज़ कर पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर
आप लाइक अगर आपने जॉब करनी है किसी गूगल अमेज़ॉन वगैरह कंपनीज में तो भी आप जा सकते हो। अपना ही कोई लाइक बिजनेस करना है तो उसमें भी आप कंप्यूटर से मास्टरी करके आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर का टीचर बनना है तो आप कंप्यूटर अगर आपने अभी बेसिक सीख लिए देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू कोप अप विद द हाई लेवल कंप्यूटर इन प्लस वन एंड प्लस टू। गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन IITs और NITs आफ्टर प्लस टू देन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कंप्यूटर इज़ नॉट नेसेसरी इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। और एक और क्वेश्चन है जो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जिसमें कि आपने CA बनना है तो क्या आपको कंप्यूटर नेसेसिटी है एक 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में। सो इसका आंसर है नहीं, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए 9th और 10th स्टैंडर्ड का, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक नॉलेज MS Office MS Word कैसे चलाना है। उसके बाद इंटरनेट सफरिंग्स में वो तो जैसे नॉर्मल बेसिक सफरिंग्स होती हैं वो सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की कोई डिग्री वगैरह उन्हें नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ नॉलेज चाहिए होती है। सो अगर आप CA भी बनना चाहते हो तो कंप्यूटर इन 9th एंड 10th इज़ नॉट नेसेसरी। गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट शुड वी चूज हिंदी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 9th एंड 10th स्टैंडर्ड और नॉट। सो गाइस आंसर मेरे हिसाब से है कि अगर तो आपके घर का कोई बिजनेस है तो आपको हिंदी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस आपका घर का है तो इट्स ओके। एल्स अगर आपने जॉब करनी है तो आपको हिंदी लेनी चाहिए क्योंकि अगर आप हिंदी लोगे तो लाइक आप बाहर सिटीज़ में जाके लाइक बेंगलुरु मुंबई दिल्ली ऐसी सिटीज़ में जाके जॉब कर पाओगे क्योंकि हिंदी का सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट होता है बाहर लाइक अपनी स्टेट के बाहर जॉब करने के लिए। अगर आपने अपनी स्टेट में ही जॉब करनी है तो उसके आपको सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज का पास सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ 10th स्टैंडर्ड। सो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे आप 6th, 7th, 8th में हिंदी पढ़ते थे ना वो 9th एंड 10th में वो रूल्स या फिर वो टिप्स काम नहीं आएंगी, आपको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लाइक 6th, 7th, 8th में आप क्या करते थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए, वर्ड मीनिंग याद कर लिए, व्याकरण याद कर ली और आपके 40-50 मार्क्स आ गया, पास हो गए। लेकिन इसमें 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आपका हिंदी में ऐसे पास होना मुश्किल है क्योंकि गाइस आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी टाइम अपना देना पड़ेगा। बाकी आपको हिंदी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का सिर्फ पास सर्टिफिकेट चाहिए, ये मार्क्स हैं हिंदी के ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में इंक्लूड नहीं होंगे। सो आपको सिर्फ पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। सो इसमें पास होने की टिप्स क्या हैं, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी अच्छे से, मतलब रीड कर जाओ पर एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग नहीं। आपको अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो चैप्टर्स रीड करो, चैप्टर्स रीड करोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे और 40 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो आपने रीड किया वो याद आ गई तो 50-60 मार्क्स आ जाएंगे एंड देन यू विल बी पास। सो इसमें पास होना ही ज़रूरी है, पास सर्टिफिकेट चाहिए, इसकी कोई परसेंटेज नहीं देखेगा, ओनली यू शुड हैव द पास सर्टिफिकेट ऑफ हिंदी इन 10th स्टैंडर्ड। जाएंगे अगर आप क्वेश्चन आंसर्स लिख दोगे साथ में अपने एसेज लेटर्स खुद बना लोगे, सो गाइस यू विल गेट पासिंग मार्क्स इजीली। सो गाइस किसी सब्जेक्ट से डरना मत यार, किसी से डर के कंप्यूटर से डर के उसे मत छोड़ देना। सारे सब्जेक्ट्स इजी हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइम थोड़ी डेडिकेशन और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आई होप गाइस यू गॉट ऑल योर आंसर्स इन दिस वीडियो एंड इफ एनीथिंग इज लेफ्ट टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो like it, subscribe my channel, comment, and also share with your friends who are still confused about taking Hindi or physical or computer. So guys, computer ho chahe jo marzi subject ho, try karoge to hi aayega, baithe rahoge to sar ke upar se nikal jayega. So thank you guys, Jai Hind.